नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है AY5Learn क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के अंतर्गत आपकी एक नई और वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हाई कोर्ट LDC का भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, जिसमें आपके पद हैं 2756 पदों पर। इस वैकेंसी को आपको इसे अपग्रेड करके निकाला गया है, 2756 इसमें पद हैं। इसके अंतर्गत आवेदन क्या है, आपकी योग्यता क्या रहेगी, आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी क्या रहने वाली है, और इसके साथ ही आपका इसमें जो एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी आपके लिए इसमें और संपूर्ण जानकारी आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए देने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आप बात आती है इम्पोर्टेंट डेट, आपकी जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भरना स्टार्टिंग की डेट है 22/8/2022 से आपकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना 22/8/2022 से। उसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वह 22/9/2022 है, यानी कि नेक्स्ट महीने में 22/9 एक महीने आपके फॉर्म भरना स्टार्ट चलेंगे। इसमें अप टू 5 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 5 बजे के बाद आपकी जो साइट है वो बंद हो जाएगी। और आपकी फीस पेमेंट करने की जो 23/9/2022 को इसमें लास्ट डेट आपकी इसमें रखी गई है, ऑनलाइन आप फीस पेमेंट करना है, इसका ऑनलाइन ही आपका इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो जनरल है, OBC वाले हैं या फिर अन्य राज्य के हैं, जो अन्य राज्य वाले विद्यार्थी हैं वो इसमें 500 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, यानी कि जो अदर स्टेट वाले विद्यार्थी हैं वो जनरल में काउंट होंगे, उनकी फ़ीस भी 500 रुपये इसमें रहने वाली। उसके साथ ही जो राज्य की अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन के लिए इसमें 350 रुपये आपकी इसमें फ़ीस आपकी रहेगी, ये आपका फ़ीस का रहे। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 18 साल और आपकी मैक्सिमम एज यानी अधिकतम आयु आपकी 40 साल है। और आपको जो एज का रिलेक्शन दिया जाएगा OBC SC ST कैंडिडेट के लिए, वो रूल के हिसाब से आपके कंप्लीट आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें ये जो एजुकेशन, इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए वो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि उनके पास या तो BA BSc BCom किसी प्रकार की जो डिग्री होना ज़रूरी है, आपके ग्रेजुएट होना है, उसके बाद आप किसी प्रकार का ग्रेजुएट विद्यार्थी ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको इसे मांगा गया है RSCIT होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएट हैं आप RSCIT नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप RSCIT होना आपका ज़रूरी है और साथ ही आपके पास में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12th पास वालों के लिए फॉर्म नहीं है ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात आती है इसमें टोटल पोस्ट आपकी 2756 है, जो आप कैटेगरी वाइज बांटी गई है उन सभी को मैं आपके लिए बता रहा हूँ, पोस्ट नेम है और टोटल पोस्ट कितनी है वो आपकी दी गई। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए इसमें 320 पदों पर वैकेंसी को आपको निकाला गया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत है। अगला नेक्स्ट आती है इसमें क्लर्क ग्रेड 2 की, जो राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी के अंतर्गत 4 पोस्ट इसमें टोटल हैं। नेक्स्ट आती है जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत, जिसमें स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत आपकी इसमें पोस्ट है, तो 18 इसमें आपकी टोटल पोस्ट आपकी इसमें हैं। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट आती है क्लर्क के लिए, क्लर्क ग्रेड 2 के लिए नॉन TSP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इसमें 1985 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंतर्गत हैं, क्लर्क ग्रेड 2 नॉन TSP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी हैं। इसके बाद आती है क्लर्क ग्रेड 2 की TSP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत, इसमें 69 पोस्ट आपकी इसमें टोटल आपकी रखी गई हैं नॉन यानी TSP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत। अगला है जूनियर असिस्टेंट नॉन TSP, इसमें जूनियर असिस्टेंट नॉन TSP के अंतर्गत इसमें 343 पोस्ट हैं नॉन TSP वालों के लिए। इसमें जूनियर असिस्टेंट TSP जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है इंक्लूडिंग स्कूल का लेगल, ये इसमें 70 पोस्ट आपकी इसमें रखी गई हैं। ये आपका टोटल पोस्ट का क्राइटेरिया है जो मैंने आपके लिए इसमें बता दिया है, कैटेगरी इसमें बांटा गया है। और इसके साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित आपके इसमें सबसे पहले आपका इसमें चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आपका लिखित परीक्षा इसमें ली जाएगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, और उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके आधार पर आपको किया जाएगा। जो विद्यार्थी इसमें LDC एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सिलेबस है जिसमें आपसे पूछा जाएगा, विषय हैं हिंदी इंग्लिश और सामान्य नॉलेज होना जरूरी है, जिसे जनरल नॉलेज आप जानते हैं। हिंदी के अंतर्गत आपसे 50% पूछे जाएंगे, इंग्लिश के भी 50% होंगे, और सामान्य नॉलेज यानी जनरल नॉलेज के आपके 50% इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका 2 अंक का
होगा इसमें, ये ध्यान रखें। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम 2022 के लिए आपके लिए कुल आपसे 150% आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश सामान्य, 150% हो गए, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है तो 300 अंक आपके इसमें होंगे, 150% 300 अंक का होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपके लिए छूट दी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपका पेपर के लिए आपके लिए इसमें समय है, इन 150 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का आपके लिए समय मिलेगा, पूरा कंप्लीट 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा की क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी ही, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, तो लिखित परीक्षा के जो क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी हैं वही आगे नेक्स्ट स्टेप में जाकर के कंप्यूटर टेस्ट के लिए पात्र माने जाएंगे। उसके बाद ही आपकी लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है, अब ये नहीं कि टेस्ट में आप अच्छे नंबर ले आएँ तो आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है उसमें आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आप इसमें मेरिट में रह सकते हैं। तो आपके लिए दोनों, एक आपका रिटन टेस्ट होगा जो लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव, उसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, उन दोनों के अंक मिलाकर के आपकी जो मेरिट लिस्ट आपकी लिखाई जाएगी, उसमें यदि आप क्वालिफाई होते हो तो आप उसमें LDC के लिए पद के लिए दावेदार होते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बताई है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसमें जो सिलेबस है उससे संबंधित मैं आपके लेके आऊँगा, कंप्लीट सिलेबस मैं आपके लिए बताऊँगा, हिंदी इंग्लिश और सामान्य नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उनके अंतर्गत जो टॉपिक वाइज जो दिए हुए हैं कंप्लीट टॉपिक की कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें आने हैं, वो वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए जुड़े हैं विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना उसके शेयर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।